पिछले लेक्चर में हमने करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रेशियो इन द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे और करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच कंपेरिजन भी करेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं। ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। द प्राइमरी बाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हाइल द सेकेंडरी हैज लेस नंबर ऑफ टर्न, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है उसमें कम टर्न्स होते हैं, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाई वोल्टेज लाइन व्हाइल द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू लो रेंज वोल्टमीटर, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको मेन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको लो रेंज के वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये वोल्टमीटर जो है वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को मेजर करता है और फिर करस्पॉन्डिंग हम लोग हाई वोल्टेज साइड के वोल्टेज को पता कर लेते हैं। वन एंड ऑफ द सेकेंडरी इज ऑलवेज ग्राउंडेड फॉर सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पर्पस के लिए सेकेंडरी का एक एंड जो है वो हमेशा ग्राउंड करके रखा जाता है। यह फिगर आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, जिसमें कि एक ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें कि कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज लाइन के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, यह आपका हाई वोल्टेज लाइन है जिसके साथ की प्राइमरी वाइंडिंग पैरेलली कनेक्ट किया गया है, यानी जो भी हाई वोल्टेज लाइन है वो इसकी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस अपीयर होते हैं और सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स होने के कारण ये वोल्टेज जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यह स्मॉल वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस अपीयर होता है। सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो उसी रेंज के वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर लिया जाता है। जब वोल्टमीटर की रीडिंग हमें पता चलती है तो फिर करस्पॉन्डिंग हम लोग हाई वोल्टेज साइड का भी वोल्टेज पता कर लेते हैं। एज ए नॉर्मल ट्रांसफार्मर इट्स रेशियो कैन बी स्पेसिफाइड एज, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए जो रेशियो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वी वन वाई वी टू इज इक्वल टू होता है एन वन वाई एन टू, यानी दोनों बाइंडिंग्स में जो वोल्टेज का रेशियो है वो इक्वल होता है, दोनों बाइंडिंग्स के टर्न्स के रेशियो के इक्वल होता है, यानी प्राइमरी का वोल्टेज बटा सेकेंडरी का वोल्टेज इक्वल टू होता है प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स बटा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। वेयर वी वन इजकल टू प्राइमरी वोल्टेज, वी टू इजकल टू सेकेंडरी वोल्टेज, एन वन जो है प्राइमरी में टर्न्स की संख्या है और एन टू जो है वो सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या है। इसमें वी वन वी टू एन वन एन टू जो भी है इसमें जो आपका जो वन टू है ये सफिक्स में लगा हुआ है, यानी कि आपका वी वन इस प्रकार से लिखाएगा वी वन वी के सफिक्स में वन, वी टू वी के सफिक्स में टू, एन वन एन के सफिक्स में वन और एन टू जो है वो एन के सफिक्स में टू, इस प्रकार से इसको लिखना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए 11,000 इज टू 110 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड अलोंग ए वोल्टमीटर रीडिंग 87.5 वोल्ट, यानी एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसका कि रेटिंग है 11,000 इज टू 110। कहने का मतलब है कि अगर इसकी प्राइमरी में 11,000 वोल्ट है तो ये इसकी सेकेंडरी में 110 वोल्ट अपीयर होगा, यानी कि इस रेशियो में ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में इस रेशियो में ये ट्रांसफॉर्म करेगा।
और ये आपसे कहा गया है कि सेकेंडरी में जो वोल्टमीटर लगा हुआ है वो अगर 87.5 वोल्ट रीड कर रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी में कितना वोल्टेज है, प्राइमरी के अक्रॉस या जो लाइन वोल्टेज है उसका में कितना वोल्टेज है, ये हमें इस्टीमेट करना है, लाइन वोल्टेज का पता करना है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग जानते हैं कि V1/V2 आपको जो है वो N1/N2 के बराबर होता है, और V1/V2 जो है आपको दिया हुआ है 11,000/110 वोल्ट, और जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो आपका V2 है, यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज है। तो सेकेंडरी के वोल्टेज के जगह पे यानी V2 के जगह पे हम 87.5 पुट करेंगे, तो हमें 87.5 V2 के जगह पे पुट करने पे V1 का वैल्यू मिलेगा 8,750। यानी कि अगर 87.5 वोल्टमीटर रीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज है वो है 8,750 वोल्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई सेकेंडरी ऑफ PT शुड नॉट बी शॉर्ट सर्किटेड। सेकेंडरी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं करना चाहिए। द सेकेंडरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर शुड बी केप्ट ओपन और शुड बी कनेक्टेड टू ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को या तो ओपन रखा जाता है या किसी हाई रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर से कनेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन कभी भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। इफ़ द सेकेंडरी ऑफ PT इज शॉर्टेड, अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया जाए, PT विल ट्राई टू मेंटेन इट्स सेकेंडरी वोल्टेज। यानी कि उस केस में अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो अपने सेकेंडरी वोल्टेज को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एंड फॉर डूइंग दिस इट विल ट्राई टू फ्लो हाई करेंट थ्रू द शॉर्टेड टर्मिनल्स। और ऐसा करने के लिए या ऐसा करने पर फिर जो है आप PT की जो सेकेंडरी के थ्रू है वो हाई करंट फ्लो होगा, जो शॉर्टेड टर्मिनल्स है उस टर्मिनल के थ्रू हाई करंट फ्लो करेगा। दिस हाई करंट विल लीड टू ओवरहीटिंग एंड कंसिक्वेंट डैमेज टू PT, और इस हाई करंट के कारण ओवरहीटिंग होगा, जो इक्विपमेंट है जो PT है वो ओवरहीटिंग होगा और फिर डैमेज भी हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेशियोज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कई प्रकार के रेशियोज हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको R से डिनोट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर। यानी जो प्राइमरी क्वान्टिटी है और जो सेकेंडरी क्वान्टिटी है, इन दोनों के रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। इसको R से डिनोट किया जाता है। फेजर कहने का मतलब है कि या तो वोल्टेज या करंट, या तो वोल्टेज का रेशियो या तो करंट का रेशियो। तो किसी करंट ट्रांसफार्मर के लिए यानी किसी CT के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो डिफाइन है प्राइमरी करंट बटा सेकेंडरी करंट, और किसी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो डिफाइन है प्राइमरी वोल्टेज बाई सेकेंडरी वोल्टेज। सेकंड है नॉमिनल रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट और वोल्टेज टू रेटेड सेकेंडरी करंट और वोल्टेज। यानी कि जो नॉमिनल रेशियो है जिसको कि KN से डिनोट करते हैं, K सफिक्स में N है, KN से डिनोट करते हैं नॉमिनल रेशियो को। ये नॉमिनल रेशियो जो है ये रेटेड करंट का रेशियो है, रेटेड करंट या रेटेड वोल्टेज का रेशियो है, प्राइमरी का रेटेड करंट और सेकेंडरी का रेटेड करंट, या प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज या सेकेंडरी का एंड सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज। यानी ये रेटेड वैल्यूज का रेशियो है जिसको कि नॉमिनल रेशियो कहा जाता है, और KN से डिनोट किया जाता है, K सफिक्स में N। किसी करंट ट्रांसफार्मर के लिए जो नॉमिनल रेशियो है वो डिफाइन है रेटेड प्राइमरी करंट बाई रेटेड सेकेंडरी करंट। प्राइमरी करंट की जो रेटिंग है यानी प्राइमरी वाइंडिंग की जो रेटिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग है, इन दोनों के रेशियो से करंट ट्रांसफार्मर का नॉमिनल रेशियो
पर तक किया जाता है या निकाला जाता है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इनके लिए जो नॉमिनल रेशियो है वो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज बटा रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। तो इन दोनों के रेशियो से हमें वोल्टेज रेशियो से हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का नॉमिनल रेशियो पता चलता है। तीसरा है टर्न रेशियो, इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द बाइंडिंग, यानी कि जो टर्न रेशियो है किसी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है, यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन दोनों टर्न्स के रेशियो को टर्न रेशियो कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के लिए जो टर्न रेशियो है वो सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बटा प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी बाइंडिंग का टर्न बटा प्राइमरी बाइंडिंग का टर्न, इसको सीटी के लिए टर्न रेशियो कहा जाता है। यानी सीटी के लिए जो टर्न रेशियो है वो एन टू बाई एन वन होता है, जबकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसके लिए जो नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी बाइंडिंग का टर्न बटा सेकेंडरी बाइंडिंग का टर्न, यानी एन वन बाई एन टू, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो होता है। चौथा है रेशियो करेक्शन फैक्टर, जिसको आर सी एफ शॉर्ट में कहा जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड नॉमिनल रेशियो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और नॉमिनल रेशियो के रेशियो को रेशियो करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी जिसको आर से डिनोट करते हैं और नॉमिनल रेशियो जिसको के एन से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों के रेशियो से इन दोनों के रेशियो को रेशियो करेक्शन फैक्टर कहा जाता है, जिसको आर सी एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि आर सी एफ इज इक्वल टू आर बाई के एन, जहाँ आर क्या है, आर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और के एन जो है वो हमारा नॉमिनल रेशियो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आर सी एफ इंटू के एन, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो रेशियो करेक्शन फैक्टर इंटू नॉमिनल रेशियो। नोट, द रेशियो विच इज इंडिकेटेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज द नॉमिनल रेशियो, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे जो रेशियो लिखा हुआ रहता है, जैसे 33/11 के भी सपोज दैट, तो ये जो रेशियो लिखा हुआ रहता है ये हमेशा नॉमिनल रेशियो होता है, यानी कि रेटेड वोल्टेज का या रेटेड करंट का रेशियो होता है। अब हम लोग सीटी और पीटी के बीच कंपेरिजन करते हैं, सीटी और पीटी में इन दोनों को तुलना करते हैं। पहला कंपेरिजन, इट कैन बी ट्रीटेड एज सीरीज ट्रांसफार्मर, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है इसको सीरीज ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग मेन लाइन के साथ पैरेलली कनेक्ट होती है, इसलिए इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट किया जाता है और इसको सीरीज ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट किया जाता है। सेकंड है, सेकेंडरी मस्ट बी ऑलवेज शॉर्टेड, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा शॉर्टेड होती है या लो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होती है। जो अमीटर होते हैं वो लो रेजिस्टेंस के होते हैं, तो अगर अमीटर कनेक्टेड है या अगर अमीटर नहीं कनेक्टेड है तो उसको हमेशा शॉर्ट करके रखा जाता है। सेकेंडरी इज नियरली अंडर ओपन सर्किट कंडीशंस, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो ओपन कंडीशन में होती है या हाई रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर या हाई रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट करके रखा जाता है। तीसरा कंपेरिजन है, ए स्मॉल वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल एज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी चूँकि जो करंट ट्रांसफार्मर है ये मेन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इसकी प्राइमरी बाइंडिंग के अक्रॉस स्मॉल वोल्टेज अपीयर होता है। इसके प्राइमरी बाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो स्मॉल वोल्टेज अपीयर होता है, जबकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसको चूँकि लाइन के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग के अक्रॉस फुल वोल्टेज अपीयर होता है। जो भी लाइन वोल्टेज है वो फुल वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस अपीयर होता है। चौथा कंपेरिजन है, द वाइंडिंग कैरिज फुल लाइन करंट, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग में यानी प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लाइन करंट, जो भी लाइन करंट फ्लो हो रहा है वो फुल करंट आपका करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से भी फ्लो करता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में
द वाइंडिंग इज इम्प्रेस्ड विथ फुल लाइन वोल्टेज, यानी कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसकी जो वाइंडिंग है उसके अक्रॉस फुल वोल्टेज अपीयर होता है, जबकि जो करंट ट्रांसफार्मर है इसके वाइंडिंग के अक्रॉस फुल लाइन करंट अपीयर होता है या फुल लाइन करंट फ्लो करता है। पांचवा है द प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरीज ओवर ए वाइड रेंज, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी के थ्रू जो करंट है वो वेरी कर सकते हैं, एक वाइड रेंज तक वेरी करते हैं, लोड पे डिपेंड करता है, लोड के वेरी करने पे जो करंट का वैल्यू है, लाइन करंट का वैल्यू है वो वेरी कर सकता है, और ये जो है वो वाइड रेंज तक वेरी कर सकता है। जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में द लाइन वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, यानी कि जो लाइन वोल्टेज है वो लगभग कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, नियरली कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू वो वेरी करते हैं। छठा है द प्राइमरी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंडरी सर्किट कंडीशन, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है, और जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है उसका प्राइमरी करंट सेकेंडरी के कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, सेकेंडरी के कंडीशन पे इसका प्राइमरी करंट डिपेंड करता है, लेकिन जो सिटी है उसका प्राइमरी करंट सेकेंडरी पे डिपेंड नहीं करता है, सेकेंडरी के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। सातवां, नीड्स ओनली वन बुशिंग, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसमें सिर्फ एक ही बुशिंग की आवश्यकता होती है, जबकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसमें दो बुशिंग की आवश्यकता होती है। बुशिंग क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, वाइंडिंग्स हैं अंदर में, इस वाइंडिंग्स को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर एक इंसुलेटेड मटेरियल का, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल वाइंडिंग को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, तो इसी को बुशिंग कहा जाता है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसमें एक बुशिंग की आवश्यकता होती है, जबकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसमें दो बुशिंग की आवश्यकता होती है। तो इस लेक्चर में हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रेशियो के बारे में, और सीटी और पीटी के बीच कंपेरिजन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।